हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सो ये रहा हमारा एग्जांपल नंबर 10.3 फ्रॉम ग्रेविटेशन NCERT। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी एक ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, एंड रेजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। वो ऑब्जेक्ट 10 मीटर हाइट तक चला जाता है। तो दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। पहला, किस वेलोसिटी से उसको थ्रो किया गया था, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन, एंड देन टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब कितना टाइम लगेगा उस हाइट पर ऑब्जेक्ट को रीच करने में। अगर डायग्राम देखा जाए तो मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो और आप एक ऑब्जेक्ट को अपने हैंड में लेकर के थ्रो करते हो अपवर्ड। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि आपको बहुत ही हाई वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, और वही आपको नहीं मालूम है। बट ये भी श्योर है कि एक मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट का, जीरो, है ना। फाइनल वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है तो वेलोसिटी स्पीड दोनों बोला जा सकता है। सो फाइनल वेलोसिटी या फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उसके बाद वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट कुछ पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए रुकेगा। बट इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। दूसरी चीज़ है कि ये पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल करने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेगा। ये दो चीज़ें हम लोगों को कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। सो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास कुछ गिवन डाटा है, पहले उस गिवन डाटा को आप लोग देख लो एक बार। दिया ये गया है कि हाइट क्या अटेंड कर रहा है, तो हाइट अटेंड कर रहा है 10 मीटर्स, वेरी क्लियर, ओके। दूसरी बात, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अगर दिया रहता तो 10 लेते, बट नहीं दिया है, देन वी विल यूज़ 9.8, वेरी कॉमन, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू हम लोगों को मालूम चल गया। और कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं है, सो लेट्स फाइंड द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। वी हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, है ना। पहला वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन डाटा, हमारे पास जो फार्मूला जो यूज़ होगा वो बेटर है कि हम फर्स्ट इक्वेशन को ही यूज़ करें। क्यों? वी निकालना है हम लोगों को, सॉरी, वी हम लोगों को मालूम है, दैट इज़ जीरो। यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, हम लोग आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मालूम है 9.8, और टाइम आपको टाइम नहीं मालूम है, बट हाँ टाइम निकालना है। नहीं तो एक काम करते हैं, ये इक्वेशन आप यूज़ नहीं कर पाओगे क्योंकि टाइम आपको नहीं मालूम है। दो चीज़ें अननोन हो गई ना, यू भी अननोन हो गया और टी भी अननोन हो गया, तो ये तो यूज़ नहीं करेंगे। चलिए सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। डिस्टेंस आपको मालूम है 10 मीटर्स, ओके। इनिशियल वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, टाइम आपको नहीं मालूम है। देखिए सेकंड इक्वेशन भी हम लोग नहीं यूज़ कर पाएंगे क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज अगेन आ गए इस इक्वेशन में, यू भी नहीं मालूम है और टाइम भी हम लोगों को नहीं मालूम है, तो ये दोनों इक्वेशंस नहीं यूज़ हो पाएगा। थर्ड इक्वेशन देखते हैं। वी स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, टू इज़ ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 9.8, एस, ओके, एस भी दिया हुआ, दैट इज 10 मीटर्स। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिलेगा। सो लेट्स यूज़ द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, लेट्स गो फॉर इट। सो बाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a, दैट इज जी, 2gs। एस को आप हाइट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, 2gh। एंड फ्री फॉल में आपको मालूम है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होता है तो हम लोग जी जो है उसकी वैल्यू निगेटिव यूज़ करते हैं, इजंट इट। तो यहाँ पर जी की वैल्यू माइनस होगी, जिसकी वजह से यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, -2gh, ठीक है। नाउ लेट्स यूज द वैल्यूज। फाइनल वेलोसिटी जीरो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम है, -2, जी इज 9.8 एंड एच इज हाइट इज 10 मीटर्स, ओके। लेट्स सॉल्व इट, देन इट विल बिकम, यहाँ 9.8 जीरो नीचे आएगा, इट विल स्ट्राइक आउट, सो वी विल गेट 2 × 98 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। देर आफ्टर इट विल बिकम यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 196 एंड यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट 196 विच विल बिकम 14 मीटर पर सेकेंड। सो ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था सो दैट कि वो 10 मीटर्स का हाइट अचीव कर ले, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, टाइम टेकन। तो फिर से तीन इक्वेशन को आप कंसिडर करो। पहला है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 AGH, ओके। नाउ हमको टाइम कैलकुलेट करना है। वी आपको मालूम है जीरो, यू आपको मालूम है, दैट इज़ अभी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने यू के वैल्यू को, यू का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, दैट इज़ 14 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, टी कैलकुलेट करना है। सो सारी वैल्यूज हम लोगों को मालूम है, सिर्फ टी निकालना है। तो पहला ही इक्वेशन सेट कर गया इस पे। हालांकि और भी इक्वेशंस को यूज़ करके आप आंसर फाइंड कर सकते हो, लेकिन जब इजी अप्रोच मिल रहा है तो टफ अप्रोच क्यों लेना है, लेट्स यूज इट। तो वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ओके।
जीरो इज इक्वल्स टू यू, इनिशियल वेलोसिटी आपका 14 था, ये माइनस 9.8 होगा फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट से, एंड टाइम कैलकुलेट करना है, सो टाइम को टी ही रहने देते हैं, टी. ओके, नाउ कैलकुलेट द टाइम, दैट इज माइनस, नो इट विल बिकम पॉजिटिव व्हेन गोइंग टू एलएचएस साइड, 9.8 टी इज इक्वल्स टू 14 एंड टी इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 9.8. आफ्टर सॉल्विंग इट विल बिकम ऑलमोस्ट, ओके लेट सॉल्व इट, 24 जाए 28 जा 16, 27 जा 40 0, 17 जा 70 7 29 जा होगा सॉरी 17 जा 40 7 49, इट विल बिकम ऑलमोस्ट 1.4 सेकेंड, 1.4 सेकेंड. सो इट इज़ द सॉल्यूशन. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.